बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने चने की दाल को, एक कप चने की दाल है, आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आज मैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल में चने की दाल बनाऊंगी। और ये मेरे पास हैं करेलों के छिलके। ये मैंने तकरीबन आधा किलो करेले लिए थे और इनको मैंने छील लिया था धोकर, और छिलके मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो अब मैं इन छिलकों के साथ चने की दाल बनाऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इंशाल्लाह आप सबको भी ज़रूर पसंद आएगी। पैन में तेल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये छिलके डाल दूंगी करेलों के। तो इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करूंगी ऑयल में। तो ये हमारे करेलों के छिलके फ्राई हो गए। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा नमक, मिर्च और हल्दी मैंने डाला है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लें, लेकिन ये याद रखिएगा कि तकरीबन जितना एक सालन में आप डालते हैं उससे आधा डालें, क्योंकि आधा फिर मैं मसाले में डालूँगी। और थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब जो मैंने चने की दाल भिगोई हुई थी उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ ही ये पानी भी मैंने दाल का ही डाला है। तो ये चने की दाल इसमें चली जाएगी और इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये गल जाए और पानी को तकरीबन खुश्क कर देंगे। मैंने ऑयल लिया है और जो मैंने गरम किया है, तो अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा का डाल रही हूँ। ज़ीरा फ्राई हो जाएगा 1 मिनट के लिए, तो मैं फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ। छोटा सा एक प्याज आप ले लें और उसको बारीक काट के डाल लें। तो इसको अब हम तकरीबन गोल्डन सब करके और फिर इसमें लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। वन टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाला है। तो हम फ्राई कर लेंगे। एक टमाटर को बारीक काट के ऐड कर लें। ये इसमें मैंने जो कहा था कि हम नमक मिर्च बाकी जो आधी है वो बाद में डालेंगे, तो ये मैंने नमक मिर्च हल्दी और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाले का लिया, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाला तैयार हो गया। अब दूसरी तरफ जो दाल रखी हुई थी वो भी तकरीबन पानी खुश्क हो गया और दाल नरम हो गई है, तो अब हम इस मसाले में दाल को ऐड कर देते हैं। मसाले में मिक्स करके मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। हमारी बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार हो गई है, और एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सबको, जो भी खाएगा, आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।